बहुत मेहनत लगा है, पर फिर भी इन लोगों ने किया बहुत अच्छे तरीके से, फोर्थ क्लास किया लेकिन छोटे, लेकिन तब भी जितना इन लोग से। अभी अभी ये चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, अगर इस चांद को अगर बीच में ला दें तो अभी सूर्य ग्रहण नहीं लग गया। दिस इज इरिगेशन सिस्टम, सोलर इरिगेशन सिस्टम जी। तो आप देख रहे हैं नजर जनता, मेरा मौजूदगी गया जिला के जो चाइल्ड व्यू पब्लिक स्कूल में मेरा मौजूदगी है। तो यहाँ पे कितना छोटे छोटे बच्चे कितना खूबसूरत खूबसूरत प्रोजेक्ट बना करके लाए हैं, और इनका क्या उद्देश्य है, कितना मेहनत से इन्होंने कितना लगन के साथ बनाया है। तो मैं सभी से बारी बारी से परिचित आप लोगों को कराऊंगा, और इनका क्या उद्देश्य है जो प्रोजेक्ट बनाए हैं, कौन सा प्रोजेक्ट का कौन सा उद्देश्य लेकर के यहाँ पे बनाया, क्या इनको माइंड में चला कि इस तरह का प्रोजेक्ट का निर्माण किए हैं। तो चलिए मैं इन लोग से मैं थोड़ा बात करने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे इनका क्या मकसद लेके क्या कौन बनाए हैं, क्लास 10 पूरा मिलकर क्लास 10 बनाए हैं। यस सर, यस जी। तो इनका इसका जो प्रोजेक्ट का निर्माण किए हैं क्या कार्य है? ये सर मैग्नेटिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जी, कैसे इस पे कार्य कैसे करेगा? दो मैग्नेट एक दूसरे का जी, एक मैग्नेट है, एक मैग्नेट है, इधर भी नॉर्थ पोल है, इधर भी नॉर्थ पोल, इधर भी नॉर्थ पोल, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है सर, उसी के कारण ये सर्कल कर रहा है इसका। उसके बाद इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, उसके बाद ये बल्ब जल पा रहा है सर। यानी रिपेल हो रहा है इसके कारण से, जो इलेक्ट्रिक चार्ज में प्रोड्यूस हो रहा है बाइक में, इसके कारण लाइट जलता है सर जी। और ये क्या है? ये सर सेल, एवरी ऑर्गेनिज्म, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल से बने होते हैं सर, जानते हैं हम लोग कि सेल से बने, और उनका फंक्शन सर इसमें दिया हुआ है जी। ये प्लांट सेल है, ये एनिमल सेल जी। तो देखिए यहाँ पे भी एक बनाए हुए, इनका तस्वीर बनाए हुए सब टीचर्स का है सर ये, और पूरे टीचर का है, ये सारे का नहीं है, कुछ ही सारे, माने जो यहाँ पे टीचर मौजूद है कौन, इनका नाम क्या है? आदर्श भैया। ये भी आदर्श भैया है, उनकी फैमिली। ये साइमा मिस। देखिए बहुत खूबसूरत है यहाँ पे ये तस्वीर लगा चुके, हर कोई भी रहता है दूसरा की तस्वीर बनाते हैं, इन्होंने टीचर के अपना अपना ड्राइंग शीट पे इतना अच्छे खूबसूरत बनाए, इन किन का तस्वीर बनाए हुए हैं? ये आदर्श भैया, और पूरा पूरा टीचर का तस्वीर है जी, थोड़ा इसे दिखा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये किसने बनाया है? क्लास 8 का निर्माण किया है, क्या इसका उद्देश्य क्या है? सर ये फायर एक्सप्लोजन है, इससे हाई प्रेशर के थ्रू हम लोग इसमें फायर और साउंड दोनों यूज कर निकाल सकते हैं। क्या थोड़ा सा प्रयोग कर सकते हैं? यस सर, वन टाइम इट इज यूज सो इट हैज नो फ्यूल, इट्स पर्पस इज टू वेयर वेयर फायर टैंक इज यूज इन द सेम वे, it is a kind of sample. It is a kind of sample. As you know, and as you see where that tank is formed. Thank you. तो देखिए, और मैं यहाँ पे जो तस्वीर बनाए हुए, शायद ज्वालामुखी का ये तस्वीर दिख रहा है, क्या चीज, किस चीज का है बाबू? ज्वालामुखी का। क्या क्या इसे क्या दिखा सिखाना चाहते हैं लोग के? सर क्या ना कि ज्वालामुखी कैसे इरप्ट होता है जी, कैसे कैसे करता है, थोड़ा बताएंगे? सर सॉरी, once time it is used and if has, we have not no vinegar then it is not used. Thank you बाबू, बहुत अच्छा लगा इस तरह के। ये क्या बनाए हैं सर? ये सोलर सिस्टम है। सोलर सिस्टम है जी। कार्ज कैसे करता है, थोड़ा कार्ज करके बताइए। एक ग्रह के और लगा लीजिए, एक ग्रह छोटा हुआ है। देखिए कितने छोटे छोटे बच्चे कितने खूबसूरत प्रोजेक्ट बनाए हैं। ये क्या कर रहे हैं? इसे सर ये राउंड कर रहे हैं जी। ये क्या है? ये सन है सर। और ये सब क्या है? ये सब प्लैनेट है। इसमें अर्थ कहाँ पे है? अर्थ कौन सा है सर? ये अर्थ है। ये अर्थ है? यस सर। देखिए ये सारा ग्रह है, और ये जो आप जानते हैं कि सूर्य के परिक्रमा सभी ग्रह करते हैं, और देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत यहाँ पे प्रोजेक्ट बनाए, क्या बनाया है? दिस इज इरिगेशन सिस्टम, सोलर इरिगेशन सिस्टम जी। सोलर इरिगेशन सिस्टम है, तो शायद लग रहा है कि अब मेरा देश में फसल बढ़िया से उगेगा। यस सर जी। कैसे कार्य करता है सर? सूर्य की किरण सहायता से कैसे हम लोग कहीं से पानी से खेत को पटा सकते हैं? यहाँ पर सूर्य के इरिगेशन से बिजली से मोटर चल जाएगा, यहाँ से पानी अब्सॉर्ब करके यहाँ देगा, पानी यहाँ से अब्सॉर्ब करके यहाँ देगा, यहाँ से पानी। ये देखिए यहाँ पे ये खेत है, ये छोटा छोटा खेत का टुकड़ा बनाया होगा, इसमें फसल उगाया जाएगा,
और देखिए यहाँ पे बनाया गया, क्या बनाया है बाबू? किडनी वर्किंग मॉडल। किडनी का बना हुआ है, क्या क्या कैसे काट कर थोड़ा बताएंगे? हेल्दी फीडर अबाउट ए हाफ कप ऑफ ब्लड वेरी मिनट द यूरेनस फ्लोड फ्रॉम द फ्लोड फ्रॉम। अच्छा, ये सब प्रोजेक्ट बनाने के लिए खुद से माइंड लगाए हैं या कोई टीचर हेल्प किए हैं? साइमा मैम हेल्प करी। कौन है, किधर है थोड़ा मैम प्लीज कहा? तो देखिए, आपने इतना अच्छे बच्चे को गाइड अगर करें तो बहुत बहुत धन्यवाद दिए हैं। क्या कहेंगे, कितना मेहनत लगा था इसमें करने के लिए? बहुत मेहनत लगा है, पर फिर भी इन लोगों ने किया बहुत अच्छे तरीके से। फोर क्लास किया लेकिन छोटे, लेकिन तब भी जितना इन लोग से बन सका उतना किया है, और आगे जाके ये सब अच्छा नाम कमा सकते हैं अभी से इतना टैलेंटेड है तो। जी बिल्कुल, बिहार बिहार राज्य में और भारत देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बट खाली उनका प्लेटफॉर्म है। ये क्या बनाए बाबू? ये मॉडल वर्किंग सोलर इक्लिप्स एंड लूनर इक्लिप्स। क्या इसका कार्य क्या? सोलर इक्लिप्स बेन द जब सोलर इक्लिप्स मतलब सूर्य ग्रहण, जब सन और अर्थ के बीच मून आ जाता है। जैसे ये सन है, ये अर्थ है, इसके बीच मून आ जाता है। इस मून आ जाने के कारण जो लाइट इस पर पड़ता है मून पर, जो ये रिफ्लेक्ट करके इसको जो इस पर जो शैडो ब्लॉक कर बनता है, पड़ता है लाइट, सोलर इक्लिप्स कहते हैं। तो यहाँ पे अभी कौन सा ग्रह लगा हुआ है? सोलर इक्लिप्स। और चंद्रमा ग्रह लगाइए? जब सन और मून के बीच अर्थ आ जाएगा, और अर्थ आ जाने के कारण मून पर जो शैडो ब्लॉक कास्ट बनेगा उसे लूनर इक्लिप्स कहते हैं। देखिए बहुत अच्छा लगा कि आप ज्योग्राफी में जब पढ़ते होंगे तो इसका पढ़ेगा, जो चंद्र ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है, उन्हीं ने ये प्रोजेक्ट का पूरा निर्माण कर दिया। अभी अभी ये चंद्र ग्रहण लगा हुआ है, अगर इस चांद को अगर बीच में ला दें तो अभी सूर्य ग्रहण नहीं लग गया। तो देखिए, और यहाँ पे लगा पवन चक्की लगा बनाया, क्या बोला बनाया बाबू? पवन चक्की बना हुआ। क्या इसका वर्क क्या है? अगर ये हवा के कारण ये घूमता है तो यहाँ पे बिजली का उत्पादन होता है। जैसे अगर हम इसको घुमाएं तो यहाँ पे लाइट पड़ेगा, देखिएगा वहाँ पे। थोड़ा दिखाइएगा, मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा कैमरे दिखाइए। तो यहाँ पे देखिए कि ये जो विंड प्रेशर जब चलेगा, जब विंड चलेगा तो इसको रोटेट करेगा, रोटेट करने के बाद में इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा। हाँ सर। और इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस होगा कि मोटर फिर चलना लगेगा। इसका प्रयोग पहाड़ी इलाका में होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलता है। जी हाँ, क्योंकि वहाँ पे कोई भी अति मोटर उटर बैठाने का संभावना नहीं रहता है। हाँ। तो देखिए, और कितना क्या बनाए बाबू? सेफ्टी रोड। क्या इसका क्या दिखाना चाहते हो? ये है, अगर रेड लाइट रहेगा तो स्टॉप होगा, येलो लाइट रहेगा तो वेट होगा, ग्रीन लाइट रहेगा तो गो होगा। देखिए कितना अच्छा, ये बच्ची का इतना छोटा में सोच है कि रेड लाइट में, और रेड लाइट जब जलता है तो वहाँ पे रेस्ट का इंडिकेट करता है, ग्रीन लाइट जलता है तो आगे बढ़ने का इंडिकेट करता है, येलो कलर क्या बताता है? थोड़ा हल्का सा मोशन में चलना है। ग्रीन कलर क्या दिखाता है? और रेड कलर क्या दिखाता है? जी तो देखिए, इतना छोटी बच्ची के मालूम है। ये क्या बनाए बाबू? विंडमिल। क्या इसका कार्य है? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। जी तो देखिए, अब यहाँ क्या बनाए बाबू? वाटर साइकिल। क्या कार्य है इसका? इसका कार्य है, ये वाटर से कोई भी काम कर सकते हैं, वाटर वेपर, वाटर साइकिल। अच्छा, ऊपर जाता है, नीचे वाटर ऊपर जाता है, फिर नीचे गिर के आता है। वाटर सर्कुलेशन है, यानी जब क्लोड बनेगा और फिर क्लोड से फिर बारिश होगा, फिर बारिश से इवेपोरेट जब हो करके फिर क्लोड बनेगा। जी देखिए कितना खूबसूरत खूबसूरत, देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत। क्या बनाए बाबू? फॉरेस्ट। क्या क्या दिखाना चाहते हैं इससे? जंगल। ये है जंगल का सुरक्षित रखना है। क्या सोच के बनाए हैं ये? यानी जिस तरह से जंगली जानवर को मारते दिया जा रहा है, जंगल को नष्ट करते जा रहे, उसको बचाना है, बचाने के लिए बचाना है, पेड़ पौधा भी लगाना है, और इन्वायरमेंट के भी अच्छा वातावरण को रखना है। जी तो देखिए, यहाँ क्या बनाए बाबू? वाटर प्रेशर। क्या इसका क्या कार्य है? ये तो पूरा पास्कल का नियम ही बना दिया है। पास्कल के नियम मालूम है? हाँ, ये सब पास्कल के नियम पे ही कार्य। किसने बनाए हैं ये? किसने बताए हैं? तूने बनाया? पास्कल के नियम मालूम है ना? हाँ, जितना जितना प्रेशर डाला जाता है वो उतना वाटर फ्लो करता है, वही चीज बनाए है। जी अभी किसने बनाया ये? क्या है ये? जी देखिये, यहाँ पे शायद लगा हड का तस्वीर दिख रहा है। किसका तस्वीर है ये?
लंग है फेफड़ा का, क्या इसका कैसा, थोड़ा इधर दिखाइए, थोड़ा कैमरा दिखाइए, थोड़ा ऊपर में उठा के दिखाइए, देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत यहाँ पे तस्वीर बना हुआ है। यानी जब श्वसन की क्रिया होता है तो कम कब फूलता है तो कभी घटता है, वही चीज दिखा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू। ये किसने बनाया है, आपने बनाया है, क्या बनाया है ये? हाउस, अपना घर के लिए, अपना अपना इसी में रहना है आपको जी। तो देखिए बहुत अच्छा लगा यहाँ का तस्वीर। तो देखिए यहाँ पे भी कितना छोटे छोटे बच्चे बनाए हुए हैं, एक अपना प्रोजेक्ट लेकर आए हैं। यहाँ पे देखिए कितना अच्छे बनाया, थोड़ा खोल दीजिए बाबू, बाबू खोल दो, किस चीज का तस्वीर है भाई ये, क्या बनाया है? ऑरेंज जी। अब देखिए यहाँ पे मैं बता दो, ये क्या बनाया बाबू? एप्पल। ये क्या बनाया बाबू? हट है। तेरा क्या तस्वीर है? एप्पल। देखिए यहाँ पे कितना तमाम छोटे छोटे बच्चे कितना खूबसूरत खूबसूरत है, यहाँ पे प्रोजेक्ट का निर्माण कर दिए गए हैं और जितना भी गाइड करते रहे। तो मेरा विश्वास है कि गया जिला के जो इस चाइल्ड व्यू पब्लिक स्कूल का है, एक दिन नाम रोशन बहुत होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।